बाप का साक्षात्कार कराने वाले दादी जी से आज हम निवेदन करते हैं कि मैंपन से मुक्ति का उपाय हम सबको समझाएं। आदरणीय दादी मनोहरेंद्रा जी। ओम शांति। प्यार से बोला, अभी थोड़ा ठीक बोला, थोड़ा और ठीक बोलो। इसके अर्थ में हम टिके हुए हैं। अर्थ क्या है, कितना सहज है। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये स्मृति रखो कि अहम आत्मा शांति स्वरूप हूं। तो यहाँ पर जब भी हम बाबा के पास शुरू से ही, तो हमने ये अनुभव किया कि शुरू से ही ये पाठ पक्का करते आए, अभी तक वो पाठ प्रैक्टिकल में पक्का नहीं है। जैसा होना चाहिए, जैसा बाप दादा हम बच्चों से चाहते हैं, उस अनुसार कहेंगे कि नहीं अभी थोड़ी कमी है। तो बाबा की पहली सिख्या है कि बच्चे सदा इस स्मृति में रहो कि अहम आत्मा, देह से डिटैच हो जाओ। जब कहो अहम आत्मा तो शरीर का भान ही न रहे, क्योंकि शरीर है ही जड़, क्वालिटी अलग है। भले बोलता चलता आपको दिखाई पड़ता है, परंतु है तो जड़। इसमें मैं विराजमान हूं तो चेतन है। तो स्वयं में ये स्मृति रहे कि इस मंदिर के अंदर विराजमान मैं अव्यक्त मूरत अविनाशी आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा बाप कौन। जट बुद्धि जाती है ऊपर में कि मैं परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, मैं आत्मा अपने पिता के समान। पिता भी निराकार है लेकिन सर्व गुणों का सागर है, परम धाम का सदावासी है। तो हम बच्चे पिता के समान परम धाम के ही वासी हैं, जगत में आए हैं, हम अपना पाठ बजा रहे हैं। चोला धारण किया है तो चोले के अनुसार ही हम अपना पाठ बजा रहे हैं, परंतु है हम परम धाम के वासी। देह में आए हैं, देह से कार्य कर रहे हैं, देह के संबंधों के बीच में भी रहना पड़ता है, लेकिन जिसको ज्ञान मिल जाता है वो देह के संबंधों के बीच में रहते हुए भी वो देह से भी अपने आप को न्यारा समझता और देह के संबंधों से भी डिटैच, क्योंकि ये सब संबंधी हमारे साथ न आए हैं न हमारे साथ जाएंगे। ये तो हम सब ने देख लिया है, हमारे कई सगे वाले चले गए, हमारे देखते देखते चले गए, तो देखा देह ही यहाँ छोड़ के जा रहे हैं खुद ही। आत्मा सूक्ष्म है, निराकार है, निकल जाती है। शरीर और शरीर के साथी संबंधी सब रोते धोते यहीं रह जाते, कोई न किसी के साथ आया और ना ही किसी के साथ जाएगा, ये तो पक्का हो गया है। इसलिए बुद्धि को कभी भी उनों के अटैचमेंट में नहीं डालना है, डिटैच। ये पाठ गहराई में पक्का हो, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा मन आत्मा का कोई साथी नहीं है सिवाय एक बाप के, बाकी सब देह के साथी हैं। तो देह विनाशी है, साथी संबंधी वो भी विनाशी, साथ न आए और न साथ जाएंगे। हाँ रहना है इनके बीच में जितना समय हमारा पार्ट है, ड्रामा में मंच पर पार्ट है, 10-15 के बीच में पार्ट है, उतना समय हम पार्टधारियों के साथ अपना पाठ निभा देते हैं, लेकिन मालूम है मंच के साथी सदा के साथी नहीं रहते,
वो हमारे घर से नहीं आए थे, और जब हम जाएंगे वो अपने अपने घर के तरफ जाएगा, वो अपने घर के तरफ, वो मैं अपने घर के तरफ, मेरी बुद्धि हमारी घर के तरफ, जो मेरे साथ थे वो मंच तक थे। पौड़ियों से नीचे उतरते ही कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ, कोई कहाँ, जैसे हम अभी आए नहीं, हम तो अपने अपने कमरों को छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। और फिर जब यहाँ से जाएंगे फिर अपना वही ठिकाना, जहाँ रात्रि को विश्राम करना है, तो बुद्धि उसमें ही होती है भाई, अब हमारा काम पूरा हुआ, क्लास पूरा हुआ, ये भी देखा, वो भी सुना, अब चलो अपने घर में। फिर चाहे नींद आवे चाहे ना आवे, बिस्तरे पर बैठे हुए कमरे के साथियों से बातचीत करेंगे, कुछ रुअरियान करेंगे, कुछ समय योग में बैठेंगे, कुछ समय कुछ चिंतन करेंगे, कुछ पुस्तकों का पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो पार्ट प्ले करते हैं। परंतु रात्रि को सोते समय फिर हम डिटैच हो जाते हैं, कोई में भी अटैचमेंट नहीं रहती। जब अपने देह को ही हम छोड़ देते हैं, उसको ही हम भूल जाते हैं, एकदम से ऐसी गहरी नींद में चले जाते हैं, जो शरीर इतना बड़ा लंबा चौड़ा भूल जाता है, सुबह को आंख खोलती है फिर संकल्प शुरू हो जाते हैं। तब तक रात को सोए रहे तो उसमें कोई भी सारे दिन के संकल्प नहीं आए। कभी कभी कोई ऐसे होते हैं जिनको थोड़े सारे दिन के संकल्प रात्रि को नींद में भी आते हैं, जिनका बहुत गहरा होता है ना लगा, या गहरा दुख होता है, तो वो दुख की बातें अंदर रात को सताती है, सोते 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 वही बातें चिंतन में आएंगी। किसी का पति चला जाता है ना तो गहरा दुख लगता है, तो गहरे दुख में सोते सोते भी वो बातें याद करती रहेंगी, पति की याद सताती रहेंगी, रोती भी रहेंगी सोती भी रहेंगी, क्योंकि लगाव है, लगाव के कारण वो रोएंगी भी, और नींद तो एक स्वधर्म है शरीर का, तो सोएंगी भी, तो रोना धोना सोना ये सब कट्ठा चलता रहता है। परंतु बाबा ने जीवन में जीने की कला सिखला दी है, पहले वो कला नहीं थे, पहले तो हम संबंधियों के जीने में खुशी मनाते थे और मरने में गहरा दुख पैदा करते थे, सालों साल तक हम रोते रहते हैं, वो चला गया पता नहीं कहाँ जाके जन्म लिया, छोटा बच्चा बन के खेल रहा है और हम यहाँ रो रहे हैं, कितनी अज्ञानता होती है। ये समझ पहले नहीं थी ना तो सभी रोते थे, सालों साल तक रोते रहेंगे, परंतु बाबा ने इस अज्ञानता से हमको निकाल दिया, बाबा ने सही समझ दे दी, ज्ञान माना ही समझ, योग माना संबंध, फिर ज्ञान योग, फिर धारणा माना दिव्य गुणों के संस्कार जागृत करना, फिर है सेवा, चौथी टांग है सेवा करना, वो भी बाबा कहते हद की सेवाएं तो बहुत की, अपने परिवार की सेवा की, कमाया खाया खिलाया सब, अभी बेहद की सेवा में आ जाओ, सारे संसार की कैसे सेवा करें, कैसे अपना गुड वाइब्रेशन फैलाएं, जिसे फैलाने से ही जैसे सूर्य उदय होता है कहाँ, लेकिन प्रकाश फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, तो ये भी आत्मा में ज्ञान के संस्कार जागृत होना, धीरे धीरे संसार में ये सब संस्कार पैदा हो जाएंगे, स्मृति आती रहेंगी, और इंसान सही रूप में जो इंसान होता है वो बनता जाएगा, दिव्य गुणों की धारणा वाले संस्कार, देह अभिमान का त्याग, देह का भान रहेगा ही नहीं, तो हम अभी ज्ञान के द्वारा इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते जा रहे हैं, जो जो समझ मिलती जाती है दुखों से छूटते जाते, शरीर छोड़ा, किसी ने छोड़ा, दो ने छोड़ा, तीन ने छोड़ा, कट्ठा भी छोड़ दिया, कई बार ऐसे इत्तफाक होते ना, एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट में दो दो तीन तीन कट्ठे मर जाते हैं, तो एक का दुख हो तो दूसरी बार तीन तीन दुख इकट्ठे होते हैं, फिर भी ज्ञान मिलने के बाद, सही समझ मिलने के बाद, ड्रामा का पूरा ज्ञान होने के कारण हम उसी सारे दुख को सेकंड में बुला देते हैं,
ड्रामा, एक ही शब्द यूज करेंगे ड्रामा। बहन जी ड्रामा में ऐसा ही था, और निश्चय में भी आ जाएंगे ड्रामा में था तब तो हुआ ना, कुछ नया तो नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो ड्रामा में पहले ही था। अब हो गया तो हमको फिर फुल स्टॉप लगाना है, बीत गया सो ड्रामा, बीती को बीती देखना है, अनुभव करना, बीत गया, बीता हुआ दिन हाथ में आता है, एक घंटा पहले मैं कहाँ बैठी थी, मेरे पास कमरे में कौन कौन थे, मैं किन से क्या क्या बातें कर रही थी, एक घंटे के से भी 5 मिनट के बाद बाहर निकली कार में चली, सब बातें वहां की वहां रह गई, यहाँ की बातें यहाँ, यहाँ आई तो योग का वायुमंडल लगा पड़ा, सब बाबा की याद में बैठे तो फौरन आत्मा को टाइम का भी खींचा और संगठन का भी खींचा। तो बाबा की हाल में आते ही अनेक आत्माओं के योग शक्ति से सामने कोई भी एक आत्मा आएगी तो उसको खिंचाव होगा, कशिश होती है, बाप से मिलने की कशिश होती है, बाप समान स्थिति की कशिश होती है, फिर हम परम धाम का भी अनुभव कर लेते हैं। चले जाएंगे वहां तो उसका अनुभव कौन करेगा, कौन किसको सुनाएगा, परंतु यहां बैठे बैठे जो हम परम धाम का अनुभव करते हैं, अपने को आत्मा समझ के दूर परम धाम में चले जाएंगे, ऐसे लगेगा मैं आत्मा बाप के साथ में बैठी हुई, मैं आत्मा बाप के साथ में बैठी हुई, मैं परम धाम वासी हूं, जहां मैं न्यारी हूं, दे और दे के सब संबंधों से न्यारी, वैभवों से न्यारी, सुख दुख की अनेक बातों से न्यारी, कितना भी गहरा दुख आया होगा 4 दिन पहले, पर जब हम अनुभव करते हैं योग में अपनी शांति धाम का, तो कितना भी गहरा दुख होगा ना वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि परम धाम में ये साथी संबंधी ये सुख दुख का पार रहे ही नहीं। तो ओरिजिनल मेरा धाम शांति धाम है, जो सुख दुख से न्यारा है, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं है। हम आत्मा अपने पिता के साथ में रहती है अशरीरी रूप में, अशरीरी रूप माना ओरिजिनल हमारी स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। तो बाबा कहते बार बार उसको स्मृति में ले आओ, तो देह के साथ जो हमारा संबंध जुटा हुआ है, गहराई में रस्से बंधे हुए हैं, ये हमारे रस्से ढीले होते जाएंगे। हमको मालूम है संसार माने खेल रहा है सुख और दुख का, इसमें सुख भी देखेंगे अलग काल का और दुख भी देखेंगे, क्यों हम देख रहे हैं सभी, रात भी देखते हैं तो दिन भी देखते हैं, रात को हम देखते हैं दिन में कोई और देखता है, ऐसा तो ड्रामा बना हुआ नहीं है। जो दिन को देखता है वही रात को देखता है, जो सोता है वही जागता है, जो जागता है वही सोता है। तो सृष्टि का नियम है, सुख दुख के चक्कर से हमको निकलना ही है, परंतु परम धाम की स्मृति बार बार रखनी है। इस ज्ञान ने हमको डिटैच बनना सिखला दिया, ओरिजिनल अवस्था का बार बार अनुभव करो, चिंतन करो कि मैं आत्मा परम धाम में कैसी हूं, किस स्थिति में हूं और किसके साथ रहती हूं। ऊंचे ते ऊंचे धाम की भी स्मृति हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप की भी स्मृति हो, और अपनी ऊंची स्थिति का भी ज्ञान हो। तो डिटैच होने का जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम यहां भी प्रवृत्ति में रहते, संसार में रहते, अनेक प्रकार की सब बातें होते हुए भी न्यारे रहेंगे। कोई बहुत पैसे वाला होगा, धनवान होगा, बड़े मैल होंगे, तो उनको जरा भी अपने मैल के आकर्षण नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उसके बीच में न्यारा है। ये तो अलग काल के लिए, इस शरीर के लिए, हाँ साधन हर एक को अपने अपने हिसाब किताब से मिले हुए हैं, पर ये चीज मेरी आई नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, न मुझे यहाँ रहना है। बड़े मैलों में रहते हुए न्यारी अवस्था,
लगाव नहीं बिल्कुल। परिवार में अनेक साथी होंगे लेकिन उसको महसूस नहीं होगा मेरे ये सब साथी, मेरा सदा का साथी बाप। सोएंगी तो बाप के साथ में, बाप के याद में, उठेंगी तो याद में उठेंगी, और कर्म करेंगी निमित्त बन करके फिर कर्म करें। मैं निमित्त हूं, ये सब चीजें मेरे साथ में है नहीं। हमने बाबा को प्रैक्टिकल में देखा, जब लौकिक में बाबा की जीवन थी तो भी मैंने देखा, ये बाल्यावस्था में मेरे को कोई भाग्य मिला हुआ था। बिल्कुल बाबा के घर के पास में मेरा घर था, तो हम बाल्यावस्था में बाबा के घर में जाया आया करते थे। बाबा कलकत्ते में ज्वेलर बहुत बड़ा, तो बाबा तो हमारे से बहुत बड़ा, हम 10-11 साल के एज में आए। सामने घर होने के कारण आज ये फंक्शन हुआ, आज ये गुरु आ गए, आज फलाना आया, हम भी चले आते थे। कोई निमंत्रण थोड़ी उस समय मिलता था, जैसे होते ना बच्चे गली मोहल्ले में रहती है तो भाई गली में ये प्रोग्राम है, चले जाते थे, मना तो कोई करता भी नहीं था। तो उस समय में जो मैंने देखा बाबा को, कितना शानदार आदमी, क्या बाबा की पर्सनालिटी, और उसमें चेंज बाबा ने नहीं लाई है, ड्रेस भी वही रखी है, कुर्ता पैजामा या कुर्ता और धोती जो पहले पहनते थे वही पहनी। बाबा कहते थे हंस करके, बाबा अगर मेरी ड्रेस चेंज करावे ना तो कई भगत आत्माएं साक्षात्कार में मूंझ जाएंगी, क्योंकि साकार में तो बाबा को धोती पड़ी हुई है, कुर्ता और धोती है, और ये ड्रेस बाबा की चली आ रही है, बाबा ने चेंज नहीं की। और इस धोती और कुर्ते के अंदर ही आलमेटी ने साक्षात्कार कराया कि ये रथ, ये मेरा रथ है, मैंने इसको निमित्त बनाया है, इनका 84वां जन्म है, 84वां जन्म है ना लास्ट जन्म, तो जिसका लास्ट जन्म इतना ऊंचा उसका फर्स्ट जन्म कैसा होगा। लास्ट जन्म में ऊंचे थे ऊंचा ज्वेलर, बड़े अच्छे घर में ठाठ में रहता था, दान धर्म की तो एकदम बड़ी दिल थी दरिया, साधु संतों को खिलाते ही रहते थे, जैसे पहले ही साधु संतों का कोई अबा बैठा है। आए दिन बाबा के घर में खाने के लिए बड़े बड़े साधु संत आ जाते थे, तो बाबा की दिल दान में भी बड़ी, गरीबों को दान करना ये करना गिनती नहीं करना। और कभी बाबा अपने प्रवृत्ति में रहा ना, बाबा ने कभी अपने लाइफ में गुस्सा नहीं किया। वंडर लगता है 60 साल की उम्र हुई, घर में कई बातें होती है जो पसंद में न भी होती है, तो कोई ना कोई बात में स्त्री गुस्से हो जाएंगी, कभी बहू नाराज हो जाएंगी, कभी बेटा नाराज हो जाएगा, बहन नाराज हो जाएंगी, लेकिन हमने बाबा के बारे में जो सुना, देखा भी पर तो जो सुना अधिक, तो बाबा ने अपने लाइफ में कभी गुस्सा नहीं किया, किसी के ऊपर भी, नौकर चाकरों के ऊपर भी गुस्सा नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना दुकान में आते हैं जो नौकर होते हैं उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे दुकान में आकर के कुछ ना कुछ चुरा के ले जाते हैं, और बाबा को महसूस होता है ये चीज मैं यहाँ रख करके सामने ग्राहक से बात करने गया, कार के आगे जाना पड़ता है, कार तो रोड पर ही करी रहेंगी, उनको दिखाने के लिए दूसरा स्थान बना हुआ वहां दिखाती है ज्वेलरी वगैरह। इसी बीच में बाबा के उससे गद्दी से कोई चीज चली जाती है, बाबा आकर के ऐसे ऐसे करके देखता है तो वो चीज नहीं है, बाबा ने खुद डबियां खोली हुई होती है, मालूम होता है ये मैंने खोली ये रखी है, ये है नहीं। तो बाबा पहले चारों ओर देखेगा कौन कौन आज दुकान के अंदर आया है एक घंटे के अंदर, फिर बाबा समझ जाएगा फलाना नौकर उसके बच्चे आए थे वो खेल कूद कर रहे थे, तो हो सकता है कि खेल कूद में ऐसी चीज उनको क्या समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी कीमती चीज है, कोई चीज अच्छी लगी होंगी उठा ली होंगी, तो बाबा उसके नौकर को भी नहीं बुलाएगा, पहले डायरेक्ट बच्चों को बुला के गोदी में बिठा के टोली के पहले ही बाक्स दे देंगे,
जैसे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाबा की बात चल रही थी कि बाबा क्या करता था, नुकसान हुआ बाबा के दुकान से, कुछ बच्चों ने चीजें उठा ली, तो बाबा कैसे पकड़े। तो बाबा कार में बैठा, थोड़े टाइम के बाद बाबा ने कहा कि ये जो बच्चे दुकान पर है ना, उनको मेरे कार में भेजो, मैं बाबा इनको घुमा के ले आता है। घुमाने फिराने के लिए दोनों बच्चों को कार में बिठाया, फिर वहां जाकर के बाजार में से इसको खिलाया, बिस्किट खिलाया, चॉकलेट दिलाया, जो बच्चों की पसंद की चीजें वो दिला दिला करके पेट भरपूर कर दिया। फिर बाबा लेके आया घर में, उनके घर में। फिर बाबा ने बिठा करके फिर पूछा, बच्चे तुम आज आए थे ना दुकान पर, तो आपने देखा तो बाबा के उस दुकान में जहाँ बाबा गद्दी पर बैठते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको अपना बना करके, और बाबा ने ये डबियाँ खोली रखी, तुमने देखी। तो बाबा ने क्या किया, बड़े को अलग कर दिया, छोटे को अलग करके छोटे से पूछा। तो छोटे ने कहा कि हाँ मैंने देखी। फिर कहाँ गई, कहता है जो मेरा बड़ा भाई है ना उसने उठा ली। फिर कहाँ की, कहाँ रखी, तो कहा वो जो डबिया ना ऐसे ऊपर में ऐसे फेंक दी। तो कहा तुमने देखी, कहा हाँ मैंने देखी। तुम उतार सकते हो, कहा हाँ मैं उतार सकता हूँ। अच्छा फिर चलो कुछ उठाओ साधन, साधन दिया बाबा ने, कहो जाओ ऊपर से ले किया। सहज ही सहज उसको ले किया, सहज ही सहज जो बाबा की कीमती चीज थी, बच्चों को क्या पता हीरे क्या होते हैं, तो डब्बी में हीरा था, सहज ही सहज बाबा को हीरा लाके दे दिया। फिर बड़े से पूछा तो उसने भी एकदम से सामने से कहा हाँ मैंने उठाया, कहाँ किया, इधर फेंका। बाबा ने कहा चलो ले किया। जब चरा तो बोला अभी है नहीं, पहले मैंने तो यहीं फेंका था, मैंने तो यहीं फेंका था। बाबा ने कहा फिर कहाँ गया, कहा पता नहीं किसने उठा लिया, बच्चा था अनजान था, बोल दिया। फिर बाबा ने उनको कुछ भी डांटा नहीं, उसके फादर को उसके मदर को किसी को कुछ भी उलहना नहीं दिया। बाबा अपना काम करके आ गया, उनको टोली का बॉक्स दे दिया, बच्चे को भी दिया, छोटे को भी दिया, बड़े को भी दिया। बाबा आ गया तो जो उनका पिताजी था उनको बहुत फील हुआ, वो तो रोने लग गया कि मैं इस दुकान पर मेरे बच्चों ने ऐसा काम किया। बाबा को कहा बाबा आप मुझे बता देते तो मैं तो आज मार करके पूरा कर देता था। बाबा ने कहा मैं जानता हूं तुम उनके पिता हो ना, तुमको ये गुस्सा आएगा, परंतु बाबा को तो अपना काम लेना था बच्चों से, तो बाबा को तो प्यार देना ही था। तो बाबा ने प्यार दिया और प्यार से वो चीज मिल गई। तो आप लोग मार देना जानते हो परंतु प्यार देना जानते ही नहीं हो, ये मैंने दिखा दिया कि देखो मैंने प्यार दिया, प्यार से मुझे मेरी चीज मिल गई। और फिर हमने उसके रिटर्न में बाबा ने अच्छे अच्छे टोली के बॉक्स उनको भी खर्ची दी, उसको भी खर्ची दी। तो बाबा कभी भी चाहे नौकर हो चाहे चाकर हो, कोई बच्चे को नौकर चाकर समझ करके नहीं चलाते थे, न नौकर के साथ ऐसा व्यवहार करते थे, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार। कभी किसी मौके पर उनको जाना है, बहन की शादी है, फलाने की शादी है, उसको पैसे की जरूरत है, पर मांग नहीं सकता है, शर्म आता है उसको कि अभी मेरे बहन की शादी है, मैं ये बाबा से कैसे मांगू, तनख्वाह मुझे टाइम पर बाबा देता ही है, तो मैं अभी जा रहा हूं मैं कैसे मांगू। परंतु बाबा सामने से पूछेगा, बच्चे तुम जा रहे हो, हाँ बाबा मैं जा रहा हूँ, बस एक सेकंड बाबा के सामने खड़ा रहेगा ना, बाबा समझ जाएगा कि ये घर की तरफ जा रहा है, इसको जरूर वहां के लिए आवश्यकता रहेगी कुछ पैसे की। बाबा सामने से उसके दिल ले लेता था। तो सामने से जब बाबा दिल ले लेता है तो जिसको आवश्यकता होती है उनको तो अंदर से खुशी हो जाती है कि भाई मेरा सवाल पूरा हो रहा है। तो कहा बाबा आप तो जान गए समझ गए, तो मैं ऐसे मौके पर जा रहा हूँ जबकि मुझे कुछ देना भी है वहां। अच्छा बच्चे कोई बात नहीं तुम ले जाओ। बाबा पहले से उनकी दिल पूरी कर लेता था, चिल्ला चिल्ला के बाबा ने पैसा कभी दिया ही नहीं,
यानी दाता वाले संस्कार। मैं जितनी भी बातें बिरजेंद्रनाथ दादी बाबा की बहू उनके मुख से जितनी भी बातें सुनती थी, मेरा बार बार सोच चलता था कि संसार में इंसान तो बहुत होते हैं, अच्छे से अच्छे भी होते हैं, पर बाबा के जो भी संस्कार है ये कैसे रॉयल संस्कार। ये लक्ष्मी नारायण की आदि आत्मा चक्कर लगाती लगाती 84वें जन्म में, अंतिम जन्म इंसान बना हुआ है, भले ज्वेलर है, भगत बुद्धि है, परंतु है तो इंसानों के बीच में ना, कोई देवताओं के बीच में तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी बाबा के फ्राक तली वाले संस्कार। दान धर्म तो बाबा के गले से दरिया के माफे होता ही रहता था, जो अतिथि आता था बाबा के घर से खा पी करके जाता था। तो सब में रॉयल संस्कार, दातापन के संस्कार, दुख न देने के संस्कार, कोई को भी दुख न मिले। एक बार बाबा की बात बताते तो उनकी बाबा की सास थी, वो मातेली सास थी, तो बाबा ने हंसी कुड़ी में पहली बार बाबा ने ऐसी हंसी कुड़ी की तो उनको सामने से कहा, हाँ तुम मेरी मातेली हो ना, मातेली सास हो ना, कुछ ऐसे बोला होगा। तो उसको फील नहीं हुआ, सास को फील नहीं हुआ, क्योंकि बाबा के मिजाज को वो जानती थी, मुस्कुरा करके चली गई। थोड़े समय के बाद बाबा ने कह दिया तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, उसके घर में ही खाना था। तो सभी ने कहा, बाबा पहले तो आपने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अभी आपको बेटे बेटे क्या हुआ जो आप कहते मैं खाना नहीं खाऊंगा, सारा खाना आपके लिए तैयार है, सब बैठे हुए आप खाएंगे तो सभी खाएंगे। बाबा ने कहा नहीं आज तो मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? बहुत प्यार से सबने पूछा, हमको संकल्प आता है आप क्यों नहीं खाते, हम समझते हैं। फिर बाबा ने कहा मैंने ऐसा शब्द क्यों बोला? उसको दुख हुआ, उसको फील हुआ, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। यानी बाबा भक्ति मार्ग में अज्ञान है तो भी बाबा अपने संकल्प के और किसी को दुख न मिले। तो मैं कहती हूँ लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा अंत में आई है, 84वां जन्म, 84वां गरी, लाच गरी, उसमें ये संस्कार। तो दान धर्म के भी संस्कार है, परिवार को सुख देने के भी संस्कार है, और धन बहुत होते हुए भी बाबा ऐसा था जैसे कि धन से डिटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट नहीं, धन से डिटैचमेंट है। रहते हुए भी परिवार में न्यारा ही न्यारा रहता था, इसलिए सारे परिवार का प्यार भी खींच लिया, लेकिन परिवार के बीच में बाबा सदा ही न्यारा रहा, किसी विशेष आत्मा से विशेष प्यार नहीं रहा, सब विशेष ही थे, सबको बाबा ने उनके विशेषताओं से देखा और उनसे काम लिया। तो कहते हैं बाबा घर के अंदर रहते हुए भी सब घर वालों से बिल्कुल न्यारा था, और साधना में पक्का, व्रत जो रखा वो पक्का, गीता पढ़ता था, नित्य नेम से पढ़ता था, कभी भी बाबा ने गीता पढ़ना मिस नहीं किया होगा, चाहे वो ट्रेन में जाता है चाहे प्लेन में जाता है, पर गीता माता साथ में, गीता पढ़ करके फिर वचन लेता, फिर भोजन पान करता है। तो ऐसे नियम अज्ञान काल में भी पक्के हो, 84वें जन्म में भी, तो आद के संस्कार बाबा के कैसे होंगे, राजा ठाठ के प्रालब्ध कितनी पक्की होंगी। जब नियमों में पक्का है उसकी प्रालब्ध है, तो लक्ष्मी नारायण कंप्लीट सुखों से भरपूर, तन का भी सुख तो मन का भी सुख, तो धन का भी सुख, संबंध का सुख, प्रजा का, सब प्रकार का सुख। यह एक सुख होता है एक नहीं होता है, किसी के पास धन होता है तो चोरी भी हो जाता है तो दुख लगा ना, किसी के पास बच्ची है बच्चा है दोनों खुश है पर बच्चा चला जाता है फिर दुख आ जाता है ना, किसकी स्त्री पहले मर जाती है तो भी दुख होता है ना, कोई के घर में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है दुख होता है ना। लेकिन हमने देखा बाबा के परिवार में ये सब बातें ऐसी आई नहीं, आई नहीं किस्मत,
इसलिए बाबा से बाबा का परिवार खुश था, बाबा उनसे खुश था। पर खुशी में रहते हुए भी बाबा में न्यारापन था, भक्ति के संस्कार, ये सब भगवान का है। मैं भी भगवान का हूँ, ये सब भगवान का है, ऐसी धारणा में पक्का। दान का संकल्प किया तो संकल्प को कभी भी वापस नहीं लिया। एक बार बाबा की बच्ची थी निर्मल शांता, जो इस समय भी हमारे पास मौजूद है, बाबा की ये सौगात। भले कलकत्ता में रहती है परंतु आती जाती है, साल में 2-3 बार तो मधुबन में रहती है, 3-3, 4-4 मास रह करके फिर जरूरी सेवा के लिए कलकत्ता में चली जाती है। तो वो कहती थी, तो बाबा इतना दिल का बड़ा था कि हमारी छोटी बहन वो देखती रहती थी, तो आज मम्मी ने दान किया, आज डैडी ने दान किया, और आपस में बातें करते रहते हैं कि जो यहाँ दान करेंगे ना, सोना दान करेंगे, उसको सत्युग में भी, सत्युग में भविष्य में सोना मिलेगा, जो चांदी दान करेंगे उसको चांदी मिलेंगी, जो अन्न दान करेंगे उसको अन्न मिलेगा, ऐसे ऐसे जैसे घर में बातें होती है। तो उस बच्ची के मन में भी कुछ आ गया, तो उसको सोने की चूड़ियाँ पड़ी थी। तो एक बार ब्राह्मण आया और उनके घर में खाना खाने, तो खाना खा करके जब वो जाने लगा ना, तो वो बच्ची उसके पीछे पीछे गई, पीछे पीछे वो गली में पहुंच करके फिर चूड़ियाँ उतार के उसको दे दी। तो उसने कहा, नहीं नहीं बच्ची, देखो मैं तो तुम्हारा हूँ ही, आता जाता रहता हूँ, तुमने अपने डैडी से पूछा नहीं, मम्मी से पूछा नहीं, मैं तुम्हारे से ये चीज़ नहीं ले सकता हूँ, तुम ये पहने रखो, तुम अपने मम्मी डैडी से बात करो, मम्मी डैडी कहे तो हाँ दे देना, फिर तुम मेरे को देंगे, फिर मैं ले लूँगा। उसने कहा, मैंने तो संकल्प किया है ना, मेरी चीज़ है ना, मैं कोई मम्मी डैडी से थोड़ी चीज़ लेती हूँ, मेरी चीज़ है, मैं देती हूँ। वो कहे, नहीं हम नहीं लेंगे। आकर बात पहुँच गई घर में, तो बाप ने कहा, चलो बच्चे ने संकल्प किया है ना, कोई बात नहीं, ले जा। ब्राह्मण को कहा, तुम ले जाओ। तो वो बेचारा बाबा को देखने लगा कि बाबा कैसे कहते ले जाओ। फिर माँ से बात की, तो माँ ने भी कहा, कोई बात नहीं, बच्ची ने, मेरी बच्ची ने दान किया ना, ले जाओ तुम, ले जाओ। सोना भी ऐसे दान करते जैसे क्या उनके अंदर में होती है तो पुराने आत्मा आदि आत्माएं, तो उनके संस्कारों में भी रॉयल्टी। फिर उनको वो चीजें सोने की चूड़ियां उसको मिल गई ब्राह्मण को। आप जान सकते हो ब्राह्मण के मन में बाबा के प्रति, बाबा के परिवार के लिए कितना होगा। ऐसे रॉयल्टी के संस्कार, दान धर्म में भी बाबा को ईगो का नहीं, जैसे कि पता नहीं कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, किसके भागे ये सब आ रहा है, तो मैं किसी को खिलाने वाला कौन हूं। कभी बाबा को ईगो नहीं आता था, तो मैं करने वाला हूं, मैंपन तो था ही नहीं। सारे यज्ञ के इतने बड़े बड़े काम हो गए, यज्ञ में सरेंडर कंप्लीट बाबा, एक नहीं पर ऐसे 8-10 परिवार सरेंडर हो गए बाबा, भावना से किया। और कभी भी दान की हुई चीज को वापस रखना, ये एक माँ पाप तक, लाश तक भी हम देख। तो कारोबार में तो ऐसी बहुत बातें होती, परंतु बाबा की फराग दिली बाबा के साथ, यज्ञ के प्रति भी हर कार्य, इतने बच्चों को पाला पोषा, कैसे खिलाया। तो एक विशेषता हमने देखी जिसका असर सभी बच्चों के मन में था कि बाबा जो खुद खाएगा वो जरूर खिलाएगा, न खाएगा तो न भी खिलाए, पर जो खाएगा ना तो उसके लिए बाबा के मन में रहता है, मेरे बच्चों ने नहीं खाया, मम्मा ये बच्चों को खिलाए, मम्मा ये बच्चों को इतना याद करता है, बात मत पूछो। खाता अपने रूम में अकेले, बिरजंदा दादी बाबा की लौकिक में बहू या दूसरी बहू या बेटा या बेटी, कोई ना कोई बाबा के नजदीक रहता ही था। अब किसी को तो पता नहीं बाबा ऊपर में क्या खाता है क्या नहीं खाता है, पर बाबा खा नहीं सकता। बाबा कहेंगे, बच्ची पहले जाओ, बच्चों को ये चीज जाके खिलाओ, इतना है, इतना अंदाज है, जाओ जाके खिलाओ। कोई अच्छी चीज बनेगी ना तो बाबा के जैसे अपने पेट जाए बच्ची है, अपने पेट में न डाल करके पहले बच्चों के पेट में पर। तो हम सारी उम्र देखते रहे बाबा को कितना हम बच्चों के लिए प्यार है, इसलिए जिस समय बेगरी लाइफ आई ना तो हम सब कुर्बानी करने लगे,
कि नहीं, जैसे बाबा ने न खा करके भी हमको खिलाया, हर समस्या का बाबा ने सामना किया, हम बच्चों के कातर ही, तो हम बच्चों के सामने भी जो यज्ञ के प्रति आ जाती है परीक्षा, तो उसमें भी हमको पार होना है। हम भी न खा करके पहले शिव बाबा के यज्ञ में डालेंगे, पीछे हम खाएंगे। यज्ञ के प्रति एक भाव बैठ गया कि भगवान के यज्ञ की पहले सेवा करनी है, पीछे खाना है। भगवान ने हम बच्चों को निमित्त बनाए हैं, हम इसे यज्ञ के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का काम है यज्ञ के प्रति बनाना भी होता है, खाना भी होता है, खिलाना भी होता है, पर सच्ची नियत से। बाबा ने सच्ची नियत से सब स्वाह कर दिया, कोई कौड़ी भी नहीं रखी अपने लिए। नहीं तो मनुष्य कहेगा चलो इतना तो मैं देता हूं, इतना रखा रहे आई बेल के लिए। बाबा ने आई बेल को देखा, आई बेल क्या होती है, वो जो आएंगी वो सामना हम भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, भावना से सबका काम किया। इसलिए सारे यज्ञ के अंदर अनेक प्रकार के विघ्न आए, परंतु विघ्नों में साथ किन्होंने दिया, फिर भी बच्चों ने दिया, क्योंकि बच्चों के मन में बाबा के लिए बहुत 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 गहरा प्रभाव था कि बाबा खुद न खा करके हमको खिलाता है, तो हम कैसे खाएंगे, बाबा के सामने रहते हम खा सकते हैं। इसलिए 14 साल बाबा के साथ बेगरी लाइफ में भी साथ दिया, और अच्छी शानदार जब स्थिति थी, बहुत कुछ था यज्ञ में, तो भी हम बच्चों ने साथ दिया।